किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। दूजे कांड दा पहला भाग धन धन सो वेला अते दूजा भाग अमृत वेला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दिन रैण सब सुहावने प्यारे जित जपिए हर नाम। पन्ना 432। धन सो वेला घड़ी धन धन मूर्त पल सार। धन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार। पन्ना 958। रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला। घड़ी मूर्त सिमरत पल मंज जीवन सफल तिथाई जियो। पन्ना 107। सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया होवा साधु संग फिर दुख न तेटिया। पाया निहचल थान फिर गर्भ न लेटिया। नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया। तत् ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया। सबो जपिए जाप जे मुखों बो लेटिया। हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया। परख खजाने पाए से बहोड़ ना खोटिया। पन्ना 520। सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार। सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार। पन्ना 565। भले दिनस भले संजोग जित भेटे पार ब्रह्म निरजोग। ओह बेला को हों बल जाओ जित मेरा मन जपे हर नाओ रहाओ। सफल मूर्त सफल ओ करी जित रसना उचरे हर हरी। पन्ना 191। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित। जित दिन विसरे पार ब्रह्म फेट भलेरी रुत। पन्ना 318। धरत सुहावी सफल थान पूर्ण भय काम। पौ नाठा भ्रम मिट गया रविया नित राम। साध जना के संग बस्त सुख सहज बिसराम। साई घड़ी सो लखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार में फिरते पहनाम। नानक ते शरणागति घट घट सब जान। पन्ना 819। भावी अदोत करणंग हर रमण संजोग पूर्णा। गोपाल दर्श पेटनंग सफल नानक सो मुहूर्ता। कीम न सका पाए सुख मिति हूँ बहरे। नानक सा वेलड़ी परवान जित मलंदड़ो मां पिरी। पन्ना 709। अर्थ हे नानक ओ घड़ी बरकत वाली हुंदी है जदों पूर्ण संजोगां नाल मथे दे लिखे लेख उगड़दे हन। प्रभु दा सिमरन करीदा है ते गोपाल हरिदा दीदार हुंदा है। इतने अमिणवें सुख प्रभु देंदा है कि मैं उसका मुल नहीं पा सकता। पर हे नानक उही सुलखणी घड़ी कबूल पैंदी है जदों अपना प्यारा प्रभु मिल पवे। धन सो वेला जित दर्शन करना होंबलहारी सतगुर चरणा। पन्ना 562। धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया। धन मूरत चसे पल कड़ियाँ धन सो ओए संजोगा जियो। पन्ना 99। उपरोक्त गुरु शब्दां दी विचार तो यह समझण विच कोई कसर नहीं रही कि सतगुरां ने केवल उस समय नू धन धन कहा है जदों मनुख दा मन प्रभु चरणा विच जुड़दा है। कोई दिन वार मुहूर्त पल चसा अपने आप विच ना उत्तम जां सुलखणा है अते ना ही कोयला मंद भागा जां बद शगना ही हुंदा है। समय नू चंगा जां मंदा मनुख दी चंगी मंदी करतूत ने बनाउणा हुंदा है। जस गावो वडभागियो कर किरपा भगवंत जियो। जस गावो वडभागियो कर किरपा भगवंत जियो। रुति महा मूरत घड़ी गुण उचरत सोभावंत जियो। गुण रंग राते धन ते जन जिन्नी एक मन त्याया सफल जन्म भया तिनका।
जिन्नी सो प्रभ पाया पुन दान न तुल किरिया हर सर्ब पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। पन्ना 927 भाग दूजा अमृत वेला। जरूरी नोट, अमृत वेले बारे जिहड़ा संकल्प खालसा पंथ दे मना विच पक्की तरह घर कर चुकिया है उसनू गुरमत विरोधी समझण वाला निरसंदेह वड्डा मूर्ख मन्निया जाएगा। पर दास की समस्या यह है कि दास दे मन विच यह यकीन घर कर चुकिया है कि सतगुरां दी बाणी दा हर सिद्धांत सदीवी सच्चाई वाला है अते एक सार है। पुराणक ग्रंथां वांग सतगुरां ने किसी एक थां वी स्वै विरोधी विचार नहीं लिखे। दास यह नहीं मन सकता कि सतगुरां ने अपने विचार किते आप ही रद्द कर दिते होण। सो भावें सारे संसार ने कोई विश्वास कबूल करके उसनू सच मान लिया होवे, पर जे वह गुरमत दे किसे सिद्धांत की खंडना करता है तो यह दासरा उसनू सच मनण लई किसी हालत विच भी तैयार नहीं है। जप साहब की चौथी पौड़ी विचला अमृत वेला भी दास लई उन्हां अर्थां वाला नहीं है जो सारियां ने मिथे हुए हैं। गुरु बाणी शब्दां दी उपरोक्त विचार दे आधार ते किसे वेले नू अमृत मन्निया जा सकदा, पर प्रचलित सच्चाई यह है कि सूरज चढ़न तों 2.5-3 घंटे पहलां दे समय नू सियाणियां ने अमृत वेला कहा है। रात दा उह पिछला पैर बड़े टिकाऊ दा हुंदा है, उस वेले ताई नींद दी गोद विच रहण करके दिन दी दौड़ भज नाल होया थकेवां लह जाण करके मनुख तरोताजगी की तसली माण रहा हुंदा है। वो वेला परीक्षा वास्ते तैयारी करने वाले विद्यार्थी लई बड़ा लाहेवंद सिद्ध हो सकता है। किसी विषय ते सुरत जोड़न लई किसी कठिन विषय नूं समझ के याद करन लई यह समा बड़ा ढुकवां है। प्रभु की याद विच टिके रहण वाले भगत जना लई यह समा अमृतमई है। अमृत का अर्थ मौत बिना, अमर हर अमृत सज्जन मेरा। गुरबाणी ने अमृत केवल प्रभु नूं ही मन्निया है। मनुख ने अजिहे जल की कल्पना की जिस दे पीण नाल मनुख की मौत ना होवे। सारा संसार आबे हयात की भाल विच खज्जल खुआर हुंदा रहा, पर अजिहा जल कितों ना मिलिया जो जीव नूं सदीवी जिंदगी दे सके। पर की कोई वेला अपने आप विच अमृत हो सकदा है? अमृत बारे गुरबाणी का फतवा इस प्रकार है, जिन वढ़ियाई तेरे नाम की ते रते मन माहे, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मने माहे, पाइए गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों, जिन को लिखिया आद। पन्ना 1238। अर्थ हे प्रभु, जिन्हां मनुखां नूं तेरे नाम की शोभा करन की सुभागता मिली है वह मनुख अपने मन विच तेरे नाम दे रंग नाल रंगे रहिंदे हन। हे नानक, एक नाम ही अमृत है, होर किसी चीज़ नूं वो अमृत नहीं मानते। हे नानक, ये नाम अमृत हरेक मनुख दे मन विच है, पर मिलदा है गुरु की कृपा नाल जिन्हां दे भागां विच धुरों लिखिया होया है, उन्हां ने ही सुआद नाल पीता है। इस गुरु शब्द तों समझ लेना चाहीदा है कि गुरदेव जी ने सदीवी जिंदगी दे सकण वाला अमृत केवल अते केवल नाम जल नूं ही मन्निया है। भाव सिवाए परमात्मा दे नाम दे संसार विच कोई दृष्टमान अथवा अदृष्ट पदार्थ अमृत नहीं हो सकता। नाम अमोलक गुरमुख भाव है, नामो सेवे नाम सहज समावे। अमृत नाम रसना नित गावै, जिसनू कृपा करे सो हर रस पावे। पन्ना 232। अर्थ, परमात्मा दा नाम किसी भी मुल तो नहीं मिल सकता। उही मनुख हासिल करता है जो गुरु की शरण पैंदा है। वो आत्मक जीवन देन वाला अमृत प्रभु दा नाम हर वेले सिमरदा है, अते इसे नाम अमृत दे राही आत्मक अडोलता विच टिकिया रहिंदा है। पर उही मनुख हर नाम दा रस माणदा है जिस उत्ते परमात्मा आप कृपा करदा है। जपजी साहब की चौथी पौड़ी विच अमृत वेला शब्द आया है। किसे समय नूं चंगा जां माड़ा मन्नण वाला
गुरमत सिद्धांत की सतगुरों ने आप ही खंडन कर दिता। अगले कुछ सफ़ियां ते इसे शंके की निवृत्ति लई गुरमत विचार लिखी है। जप साहब की चौथी पावन पौड़ी इस प्रकार है, साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार, अखें मंगै दे दे दात करी दातार, फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार, मुँह के बोलन बोलीए जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। करनी आवे कपड़ा नदरी मोह द्वार, नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। जप जी, सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर दे साबका प्रिंसीपल भाई साहब सिंह जी डीलिट ने इस पौड़ी दे अर्थ इउं लिखे हन। अर्थ, अकाल पुरख सदा थिर रहण वाला है, उसका निजम भी सदा अटल है, उसकी बोली प्रेम है अते वो अकाल पुरख बेअंत है। असी जीव उस पासों दाता मंगते हाँ, हे हरि सानू दाता दे, ओ दातार बख्शिशा करदा है। जे सारियां दाता वो आप ही बख्श रहा है तो फिर असी केड़ी भेटा उस अकाल पुरख दे अगे रखी है जिस दे सदके सानू उसका दरबार दिस पवे। असी मूँह केड़ा बचन बोलीए, भाव किहो जी अरदास करिए जिस नूं सुन के वह हरी सानू प्यार करे। पूर्ण खड़ाओ का समा होवे, भाव प्रभात वेला होवे, नाम सिमरीए ते उस दियां वडियाइयां दी विचार करिए। इस तरह प्रभु की मेहर नाल सिफत रूपी पटोला मिलदा, उसकी कृपा दृष्टि नाल कूड़ की पाल तो खलासी हुंदी है ते रब का दर प्राप्त हो जाता है। हे नानक, इस तरह ये समझ आ जाती है कि वह होण दा मालक अकाल पुरख सब थाई भरपूर है। पंथ विच सत्कारे हुए विद्वान पेशावर प्रचारक ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी ने भी इस पावन पौड़ी दे अर्थ थोड़े जहे फेर बदल नाल लगभग यही कीते। मस्कीन जी ने भेटा करन बारे विशेष तौर पर इउं कहा है, बंदे तू सवेर दा पहर रब दी भेटा कर दे, बाकी तीन पहर तू अपने कोल रख, भाव भावें बाकी समा जिमें मर्जी है वरत, सिर्फ सवेर का पैर ही जुड़ के नाम जप लेना काफ़ी है। भाई वीर सिंह जी ने इस पौड़ी दे अर्थ इस प्रकार लिखे हैं, बेपरवाह बिकसंदा हुक्मी रची हुई दा साहिब है, इस रची हुई दे बदलनहार रूप विच वो आप सत सरूप है ते सत नाम है। अनेक भाव वाले जीवों तो वो अपार अनेक नामा वाला पुकारिया गया, अपने अपने भाव अनुसार वो उसका नाम आखते हैं ते अपनी मांग अनुसार उस तो दाता मांगते हैं ते दे करते हैं। वो दाता देंदा पर ये मंगा सकाम हैं ते साड़ी मंग निशकाम केवल सच्चे साहब ते उस दे नाम दी है। फिर साढ़े पास जो कुछ है उस दाते दी दात है। प्रश्न उपजदा है, फिर असी की उस दाते दे अगे तरीए, भाव की नज़र पेश करिए जिस करके कि सानू उसका दरबार दिसे। नंबर दो, मूहों की वाग बोलीए कि जिसनों सुन के वह साडे नाल प्यार करे। उत्तर, उस दियां दातां विच्चों अठ पहर दा समा एक अमोलक दात है, जिस विच्चों पिछली रात दा पहर अर्थात अमृत वेला उसकी नज़र वजों भेट धरीए, इंज के उस वेले उसका सच्चा नाम सिमरीए ते उस दियां वडियाइयां दी विचार करिए। इस नाल उसकी मेहर साढ़े उत्ते होवेगी। जे असी निरे कर्मां ते टेक रखी तां कर्मां नाल तां शरीर मिलदा है, मुक्ति नहीं मिलदी, पर मुक्त द्वारा साईं दी मेहर दृष्टि नाल ही खुलदा है। सो मेहर लई गुणानवाद दे नाम आराधना चाहिए। जदों मुक्त द्वारा खुल जाता है तां हे नानक इउं जाण लईदा है, भाव ये ज्ञान हो जाता है कि वह सच्यार सत स्वरूप वाहिगुरु सब कुछ आप ही आप है। इन्ने अर्थां विच भाई वीर सिंह ने दिन रात नूं आप ही अठां पैरां विच वंड के केवल सवेर दा पैर ही प्रभु जाद विच लीन होण दी गल कीती, पर कि बाकी सत पहर जिवें मर्जी है वरतण दी खुल है। पर फिर इस तों अगे भाई साहब नूं व्याख्या लिखणी पई है। व्याख्या, ये पौड़ी सारी ही साधना पक्ष दी है। इस विच पहलों हुक्मी नूं सच्चा साहिब आ के
फिर दाता क्या है? फिर आप ही प्रश्न का उत्तर देंदे हन कि अमृत वेले जाके उसका गुणा का विचार करिए ते उसका नाम सिमरीए। ये भेटा कोई स्थूल पदार्थ नहीं, कोई कर्म मात्र नहीं, ये दिल का भाव प्रेम है। इस भाव पर प्रेम स्वरूप वाहिगुरु रीझेगा, उसकी मेहर की नज़र पवेगी, जिस नाल मुक्ति ते सच्चियारथा प्राप्त हो जाएगी। फिर अगले पैरे विच लिखते हैं कि जे असी ये प्यार मार्ग छोड़ के निरे कर्मा विच रहांगे तां फिर जन्म धारांगे। इतनी गल हो जाएगी कि शुभ कर्मा अनुसार ये देह चंगी मिल जाएगी पर मुक्ति नहीं मिलेगी। मोख द्वार तां मेहर की नज़र नाल मिलेगा। फिर मोख द्वार की अवस्था विच अपड़ के साड़ी दृष्टि यह हो जाएगी कि वाहिगुरु सत स्वरूप सब कुछ आप ही है, भाव असी सच्यार वाहिगुरु का अनुभव प्राप्त कर लवेंगे। संथिया श्री गुरु ग्रंथ साहब पहली पोथी इस तरह लंबी चौड़ी व्याख्या दे 55 तो लैके 61 सफ़े थाई 7 सफ़े हैं, पर इस पक्ष नूं साफ नहीं किया गया कि वेले नूं अमृत कह के थित्तां वारां मुहूर्तां अथवा समय नूं चंगा माड़ा समझण दी खंडना करन वाले गुरमत सिद्धांत दी खंडना दा की बनिया। प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने अपनी पुस्तक जप ते उहदे पक्ष दे 22 सफ़े ते अर्थ इस तरह लिखे हैं। प्रश्न ये उठता है कि असी अगे सामने मंतव की रखिए कि उसका दर्शन हो जाए, की शब्द बोलीए कि उसके प्यार दे पात्र बन जाइए। उत्तर कि प्रभात समय अमृत वेले टेक के उसकी वड्याई अनुभव करके उसके असल स्वरूप नूं जानने की कोशिश करिए। एक गल सदा चेते रखनी चाहिदी है कि उसकी नज़र ही है जिस कारण सानू शरीरक जामा मिलिया, तो हुण भी उसकी बख्शिश द्वारा ही मुक्ति दर मिलेगा। यही एक राह है क्योंकि वह सच्यार सब थाई आप है। नज़र लई काल की होई, ये प्रश्न बार बार उठता है। गुरु अंगद साहब कोलों बाबा बुढ़ा जी ने पूछा सी कि उन्होंने किवें पाया, तो गुरु जी का उत्तर सी किरपा की काल करके। भाई नंद लाल जी ने जिंदगीनामा विच लिखिया है कि रब दे राह विच अदब विच रहण तो सिवा होर कोई वड्डी सिक्ख्या नहीं, जगियासु लई उस दे भाणे तो सिवा होर कोई उची गल नहीं। भावें कोई सिर तो पैरां ताईं मौला हो जाए पर जीवन फिर भी बंदगी विच ही गुजारना पवेगा। जप ते उहदे पक्ष सफा ते इन्हां विद्वानां ने व्याख्या करदिआं लिखिया है कि वाहिगुरु की नज़र हासिल करन वास्ते सारी उम्र ही प्रेम की घालना करनी है अते अपने आचरण की घाटत करनी है, तद ही परमात्मा की उस नज़र की प्राप्ति हो सकती है जिस नाल मनुख की आत्मा ने संसारी बंधना तो छुटकारा पा के परमात्मा विच समा सकना है। भाई वीर सिंह जी अते प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी ने भी साहब सिंह जी अथवा संत सिंह मस्कीन वाग ही इन्हां शंकियां नूं साफ नहीं कीता। नंबर एक कि किसे वेले नूं अमृत वेला मनण नाल गुरदेव जी दे दो पक्के सिद्धांतां दी खंडना तां नहीं होई। पक्के सिद्धांत पागूड़ा, कोई वेला अपने आप विच चंगा जां माड़ा नहीं है। पागैड़ा, प्रभु दे नाम नाल जोड़न वाली गुरबाणी ही अमृत है, होर दूजी वस्तु अथवा समा सदीवी आत्मक जीवन देन वाली नहीं है। नंबर दो कि गुरदेव जी एवें पुराणक काल तो प्रचलित रीत वाग ही सवेर दे समय नूं अमृत वेला कहा है। नंबर तीन कि गुरदेव जी वल्लों कीती हुई किसी होर डूंगी रमज की संभावना तो नहीं है। नंबर चार दोहां विद्वानां ने व्याख्या विच सारी उपर दे जाप करन दा उपदेश पौड़ी दी किस तुक दे आधार ते लिखिया है। पौड़ी विच तां सिर्फ इन्ना ही लिखिया अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार। सारी उम्र सवास वास नाम सिमरन दा संकेत कित्थों मिलदा है। नंबर पांच कि गुरबाणी विच किसी होर थां भी सवेर वेले नूं अमृत वेला लिख के नाम सिमरन दा उपदेश कीता है। दास दी तुश बुद्धि अनुसार गुरबाणी दे उही अर्थ सही मनने चाहिए हन जिन्हां तों गुरमत दे किसी भी सिधांत की खंडना ना हुंदी होवे। गुरमत दे किसी भी सिधांत की खंडना वाला अर्थ जे ठीक मन लवांगे
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਭੁੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਥਵਾ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਏਡੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਠਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਜੇ ਤਵੇਲਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਹਾਵਾ, ਪੰਨਾ 563। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਪੰਨਾ 9। ਅਰਥਹੀਣ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸੁਆਸ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਅੰਦਿਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆਂ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਭਗਤ ਕਨੇਹੀ ਹੋਏ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਸਿਉਂ ਸਾਸ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ। ਪੰਨਾ 35। ਅਰਥ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਇੱਕ ਖਿਨ ਭਰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਸਭ ਜਾਏ ਮਿਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰਡਾਵੇ ਰਾਮ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਕਹਿ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ, ਸਾਹ ਵੇਲਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਸਾਹ ਘੜੀ ਸੋ ਮੋਹਤ ਸਫਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਿੱਤ ਹਰ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਰਾਮ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਪੰਨਾ 540। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੁਆਸ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਤਮ ਭੇਟ ਫਰਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰਮਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਲੋਕ, ਝਾਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਦ, ਕਾਰਾ ਤੁਜੇ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਨਾਨਕ ਮਿਟੇ ਉਪਾਦ। ਪੰਨਾ 255। ਅਰਥ, ਹੇ ਨਾਨਕ,
तड़के सवेरे ही उठ के प्रभु का नाम जन। इतना ही नहीं, दिन रात हर वेले याद कर। कोई चिंता फिक्र तेरे उत्ते जोर नहीं पा सकेगा। तेरे अंदर वैर विरोध झगड़े वाला अभाव भी मिट जाएगा। सलोक महला पंजवा। चिड़ी चौंकी पौ फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। पन्ना 319। अर्थ, जदों पौ फुटाला हुंदा है ते चिड़ी चूकदी है, भाव जदों पूर्ण टिकाओ का समा हुंदा है, दुनिया के कार विहार का शोर शराबा अजे शुरू नहीं होया हुंदा, उस वेले भगत दे हिरदे विच सिमरन दे तरंग बहुत उठते हैं। हे नानक, जिन्हां गुरमुखां दा प्रभु दे नाम विच प्यार हुंदा है, उन्होंने इस पौ फटाले दे समय अचरज रूप रचे हुंदे हन। भाव वह बंदे इस समय प्रभु दे अचरज कौतक अपनियां अखां दे सामने लियांदे हन। प्रातःकाल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवें मन के काम रहाओ, प्रभ अविनाशी रहण दिन गाओ, जीवत मरत निहचल पावें थाओ, सोशा सेव जित तोट न आवै, खात खर्चत सुख आनंद विहावै, जग जीवन पुरख साध संग पाया, कुर प्रसाद नानक नाम त्याया। पन्ना 743। प्रभाते प्रभ नाम जप, गुर के चरण त्याए, जन्म मरण मल उतरे, सच्चे के गुण गाए। पन्ना 1099। उगवै सूर गुरमुख हर बोले, सब रैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करें प्रभु हर भाल। पन्ना 1335। अर्थ, जदों सूरज चढ़द है, गुरु के सन्मुख रहन वाले मनुख परमात्मा का नाम जपन लग पैंदे हैं। सारी रात भी वह परमात्मा की सिफत सलाह दियां गल्लां ही करते हैं। मेरे प्रभु ने मेरे अंदर भी यह लगन पैदा कर दिती है, इस वास्ते मैं भी प्रभु की ढूंढ करता हाँ। भिन्नी रैनड़िए चमकण तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे, राम प्यारे सदा जागें नाम सिमरें अंदिनो, चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो, तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागें हर दास संत प्यारे। पन्ना 459। इस पावन शंत विच सवेर दे वेले आकाश विच चमक दे तारियां वांग भगत जना नूं सदा सुचेत अते नाम रंग विच रंगे हुए दर्साया है। तड़के दे वेले जागण दे कारण ही किसी विशेषता दा जिक्र नहीं है, सदा ही प्रभु दी याद विच रहिंदिआं माया दे हल्लिआं तों सुचेत रहण वाले प्रभु प्यारिआं दा जिक्र है। प्रातःकाल लागों जन चरनी निस बासुर दर्श पावो, तन मन अर्प करूं जन सेवा रसना हर गुण गाव। पन्ना 533। महला पंजवा। उठी झालू कंतड़े हों पसी तौ दीदार, काजल हार तंबूल रस बिन पसे हब रस शार। पन्ना 1094। अर्थ, हे सोहणे कंत, मैं सवेरे उठा ते पहला तेरा दर्शन करा, तेरा दर्शन करन तो बिना कजल हार पान रस ये सारे ही रस सुवास समान हैं, भाव धार्मिक पहरावे अते चिन्ह आदि सब व्यर्थ हैं। उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई नाने वै सो सिर कप उतार। पन्ना 1381। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागन लहन से साई कन्नो दात। पन्ना 1384। अर्थ, पहले पैर दी बंदगी मानो एक सोहना जिहा फुल है, फल भी तड़के दी बंदगी ही हो सकती है। जो बंदे तड़के जागदे हन वह परमात्मा पासों बख्शिश हासिल करदे हन, भाव जिंदगी दे पहले पैर विच भाव बचपन अथवा जवानी विच मन प्रभु भगती विच जुड़ जाए तां उस दा फल पिछली उमरे अथवा
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੜੇ ਝਾਲ ਝੁਲੰਬਲੈ, ਨਾਵੜਾ ਲਈਏ ਕਿਸ, ਨਾਉ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ, ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ। ਪੰਨਾ 1420। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ, ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ, ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ 'ਚ ਦਿਸਨ ਰੱਥ ਪੀੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਪੰਨਾ 999। ਅਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੰਬੂ, ਛਤਰ, ਕਨਾਤਾਂ, ਰੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ, ਪਿੱਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਜੇ ਬੰਦੜੋਂ ਮੋਇਓ, ਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ। ਪੰਨਾ 1383। ਅਰਥ, ਹੇ ਫਰੀਦ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਪੰਨਾ 305। ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਰਹੁਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੋ, ਪਾਉ ਪਖਾਲਾਂ ਤਿਸ ਕੇ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਤ ਭਾਵੋ, ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਨਾਮੇ ਲਿਵਲਾਵੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਧਨ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੋ। ਪੰਨਾ 318। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਬਾਹੀ ਸਾਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਧਿਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨ, ਸਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਵਖਤੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮੂਏ, ਦੂਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਮਨ ਕੀਆਂ ਮੱਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਏ ਅਸਗਾ ਗੋਤੇ ਖਾਹੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੀਜੇ ਮੂਹੀ ਗਿਰਾ ਭੁੱਖ ਤਿੱਖਾ ਦੋਏ ਭੌਂਕੀਆਂ, ਖਾਧਾ ਹੋਏ ਸੁਆਹਾ ਭੀ ਖਾਣੇ ਸਿਉਂ ਦੋਸਤੀ, ਚੌਥੇ ਆਈ ਊਂਗ ਅੱਖੀਂ ਮੀਟ ਪਵਾਰ ਗਿਆ, ਭੀ ਉੱਠ ਰਚਾਉਣ ਵਾਦ ਸੈ ਵਰਿਆਂ ਕੀ ਪਿੜ ਬੱਧੀ, ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਸਭ ਜੇ ਅੱਠੀਂ ਪਉ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਹੋਏ। ਪੰਨਾ 145। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਕਈ ਰਾਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਫਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਆਰੇ ਜੀਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਨੀਂਦ ਆ ਦੱਬਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੂਕ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੜ ਜਗਤ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਝਮੇਲਾ। ਮਾਨੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਘੋਲ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਚਲੇ
गुरु अंगद साहब जी के उचारे पावन श्लोक विच भावें अमृत वेला शब्द नहीं वरत्या होया पर कुछ सज्जन ये दलील दे रहे हैं कि सतगुरां ने समय की वंड करके अठां पैरां विचों केवल सवेर का पैर ही नाम सिमरन लई उचेचे तौर पर टेक दिता है अथवा बाकी सत पैर अपनी व्योत अनुसार वरतण की खुल मिल गई मनी जा सकती है। वो पावन शब्द अते विचार अठी पहरी अठ खंड नावा खंड शरीर तिस विच नौ निद नाम एक भालें गुणी गहीर करमवंती सा लाया नानक कर गुर पीर चौथे पहर सबाह कै सुरतियाँ उपजै चाओ तिना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उथे अमृत वंडिए करमी होए पसाओ कंचन काया कसीए वन्नी चढ़े चढ़ाओ जे होवे नदर सराफ की बहोड़ न पाई ताओ सत्ती पहरी सत भला बहिए पढ़िया पास उथे पाप पुन बिचारीए कूड़े घटे रास उथे खोटे सटिए खरें कीचें साबाश बोलन फाजल नानका दुख सुख खसमें पास। पन्ना 146 अर्थ धरती दे मन्ने हुए नौ खंडा विचों नावा खंड मनुखा शरीर नू मन लिया जावे तां अठे पैर मनुख दे मन धरती दे सारे अठ खंडी पदार्थां विच लगा रहिंदा है। हे नानक कोई विरले भागां वाले बंदे गुरु पीर धार के इस नावे खंड शरीर विच नौ निद नाम लभदे हन अथाह गुणा वाले प्रभु नू शरीर विचों ही पालदे हन। सवेर दे चौथे पहर भाव पिछली रात तो दिन चढ़े तक उच्ची सुरत वाले बंदियां दे मन विच इस नौ निद नाम लई चाओ पैदा हुंदा है। उस वेले उन्हां दी सांझ उन्हां गुरमुखां नाल बनदी है जिन्हां दे अंदर नाम दा प्रवाह चल रहा हुंदा है दरियावां अते उन्हां दे मन ते मूँह विच सच्चा नाम वसदा है। उत्थे सतसंग विच नाम अमृत वंडिया जांदा है प्रभु दी मेहर नाल उन्हां नू नाम दी दात मिलदी है। जिवें ताओ दे के सोने नू कस लाई दी है तिवें पिछले पैर दी घाल कमाई दी उन्हां दे शरीर नू कस लाई दी है ते भगती दा सोहना रंग चढ़दा है। जदों सराप प्रभु दी मेहर दी नज़र हुंदी है तां फिर तपाउण भाव होर घालां दी लोड़ नहीं रहिंदी। अठवां पैर प्रभु चरणां विच जुड़िया वरत के बाकी सत पैर भला आचरण बनाउण दी लोड़ है। गुरमुखां पास बैठना चाहिए उन्हां दी संगत विच बैठिया चंगे मंदे काम दी विचार हुंदी है। झूठ दी पूंजी घटदी है क्योंकि उस संगत विच खोटे कामां नूं सुट देईदा है ते खरे कामां दी शलाघा कीती जांदी है। अते हे नानक उत्थे ये भी समझ पै जांदी है कि किसी वापरे दुख का गिला करना व्यर्थ है। दुख सुख वो खसम प्रभु आप ही दिंदा है। इस पावन गुरु फरमान तो स्पष्ट हो गया है कि इत्थे सतगुरां ने सारा दिन ही उच्ची आत्मक अवस्था बना लैण दे आर विच रहण दा उपदेश दिता है। तड़के उठ के उस टिकाओ दे समय प्रभु दीआं वडियाईआं दी विचार करन नाल मन की सुचजी घाटत घड़ी जानी सहल बनती है अते सुवास सुवास प्रभु दे चरणा नाल जुड़े रहन लई मन तैयार रहना मन जांदा है। नौ प्रभाते शब्द ते आईऐ छोडो दुनी परिता परणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता। पन्ना 1330 अर्थ प्रभात वेले ही उठ के गुरु दे शब्द विच जुड़ के करतार दा नाम सिमरना चाहिदा है। हे भाई माया दा मोह त्यागो ये मोह ही करता दी याद भुलाउंदा है। करतार दे सेवकां दा सेवक नानक बेनती करदा है कि जिहड़ा बंदा माया दा मोह त्याग के जगत विच निम्रता नाल जिंदगी गुजारदा है उसने ही जीवन दी बाजी जीती है। गाशो पुत्री राज कुवार नाम भणो सच दोत सवार प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिख त्यास निवार। पन्ना 1187 अर्थ हे जिंदे उठ उद्यम कर तू सारे जगत दे राजे प्रभु दी अंश है। तू राजपुत्री है तू राजकुमारी है
तड़कसार वर्गे टिकाओ वाले समय वाग ही सारिया जूना विचों श्रेष्ठ मनुखा देह वाले अनोखे समय अथवा वेले की संभाल करके नित उस प्रभु का नाम सिमर, प्रभु दे प्रेम दे आसरे रह के उस प्रीतम की सेवा भगती कर ते गुरु दे शब्द विच जुड़ के माया की तृष्णा नू दूर कर। ये तृष्णा जहर है जो तेरे आत्मक जीवन नू मार देवेगी। अमृत वेले बारे विचार। उपर विचारे गुरु बाणी शब्दां दे पढ़न तो जो समझ आउंदी है उसका वेरवा इस प्रकार है। नंबर एक, सारियां पावन शब्दां विच तड़के दे समय वास्ते झालांगे चिड़ी चौकी प्रातःकाल उगवे सूर भिन्नी रैनड़िए झालू सुबह पछा रात चौथे पैरे सबा के आदि शब्द तां वरते हन पर उस समय नूं अमृत वेला किते नहीं किया गया। नंबर दो, तड़के दे समय जद पूर्ण टिकाओ दा समा है अते मनुख दा दिमाग भी नींद द्वारा आराम कर लैण नाल मुड़ प्रफुल्लत हो चुका हुंदा है उस समय सिमरन विच जुड़न दा उपदेश सारे गुरु शब्दां विच बार बार है क्योंकि उस समय सिमरन विच जुड़न दी साधना नाल प्रभु दी याद नूं अपने मन विच टिका के सुवास सुवास सिमरन दा सुभाव बनाउण विच उचेची सहायता मिलदी है। पर ध्यान देण वाली इह गल वी है कि सारे गुरु शब्दां विच तड़के उठ के सिमरन करन दे हुक्म दे नाल ही हर समय नाम जपण दी उचेची ताकीद भी कीती होई है। सिर्फ सवेर दे वेले विच ही नाम सिमरन दी कोई खास महिमा जां उचेचे फल मिलन दी गल नहीं है। नंबर तीन, किसी भी शब्द तो यह संकेत नहीं मिलता कि सिर्फ पिछली रात टेक के प्रभु नाम का जाप कर लेना काफ़ी है अते बाकी सारा दिन मन आईया करन दी पूरी खुल हो जाती है। जे सवेर दे इस अति सुंदर समय नू गुरदेव जी अमृत जां अमृतमई वेला समझते होंदे तां चौथी पौड़ी दे उपरंत तड़के वेले लई अमृत वेला शब्द होर भी कई थाई वरतदे। उपर लिखे गुरबाणी शब्दां विच अमृत वेला शब्द होर किसे थां ना वरत्या जाना साबित करदा है कि गुरदेव जी किसे भी समय नू उचेची धार्मिक विशेषता नहीं सन दे रहे। अजिहा करन नाल जिथे गुरमत दे न्यारे सिद्धांत की खंडना सी उथे नाल ही ब्राह्मण की उस लुट खसुट वाली मर्यादा की गुरमत प्रोढ़ता हो जानी सी जिहड़ी उसने शुभ अथवा अशुभ समय का भरम पा के चालू कीती होई सी। विद्वाना दे इस विचार नाल पूरी सहमति है कि चौथे दे समय शांति टिकाऊ अडोलता अते शीतलता वाला वातावरण हुंदा है। मनुखता दिमाग भी सारे थकेवियां तो रहत हो के उस समय ताई सोच मंडल विच बहुती सफलता नाल प्रवेश कर सकण दे योग बन चुका हुंदा है। भाई नंद लाल जी गोया ने अपनी गज़ल विच नंबर 17 विच इस समय जागण बारे इउं लिखिया है, बेदारी अस्त जिंदगी ए आरफान शौक गोया हराम करदम अज आइंदा खाब सुबह, भाव रब्बी इश्क दे राह ते तुरन वालियां लई अमृत वेले जागना जिंदगी है। हे गोया, मैं भी अज तो सवेर वेले सुते रहण नूं हराम समझ लिया है, तड़के उठना बड़ा मुबारक है। दास ने कई सालां तो सवेरे 3 बजे तो जाके गुरबाणी विचार नाल जुड़े रहना अपनी जीवन मर्यादा बनाई हुई है अते हिरदे दी डूंघाई तो अरदास है कि आखिरी सुआसां तक ये आनंद बनिया रहे। पर संसार विच वरत रही इस सच्चाई नू किवें अखों ओले कीता जा सकता है कि उस समय जागण वाला मनुख बने हुए अपने जीवन ढंग अनुसार किहो जिहियां विचारां विच डुबदा है। अजिहा बंधन पा सकण दी शक्ति किसी भी समय विच कदे किसी दे तजर्बे विच नहीं आई। दुनिया दे किसी अवतार पैगंबर वली अल्लाह सिद्ध विद्वान साइंसदान अथवा किसी गुरु ने अज ताई दुनिया नू किसी अजिहे समय की दसी नहीं पाई जे समय जागण वाला हर मनुख नास्तक तो आस्तक चोर तो साध
अथवा बद तो नेक बन जाता है। गुरबाणी के किसी भी शब्द विचों इस गल का भरोसा मिलता नज़र नहीं आता कि पिछली रात के समय विच अजही करामाती शक्ति है कि उस समय जागण वाले सारे ही उच्चे आचरण वाले बन जाते हैं, जां वह वेला अजिहा अमृत है जो उस समय बाणियों का अमृत पाठ करन वालियां सदा लई अमर कर दिंदा है, जां उन्हां नूं मरजीवे बनाउंदा है। उस समय वाही कर हाल पंजालियां लै के खेतां नूं जांदे हन। फौजी जवान अपने विरोधियों ते हमला करन बहुती वारी उही समा ठीक मन के सोतियां नूं जा नपदे रहे अते कई बेगुनाहां दा कतलेआम करदे रहे हन। पुलिस वाले भी उपद्रियां नूं काबू करन लई पिछली रात दौड़े फिरदे वेखे जांदे हन। शिकार ते गुजारा करन वाले फांदी पंछियां आदि नूं फसा के मारन लई जाल खिलारदे भी तड़के दे उस समय कई थाई वेखे जांदे हन। कई जालम डाकुआं कातलां अथवा देश धरोई तस्करियां लई अथवा आचरणहीन उपद्रियां लई भी उही समां लाहेवंद सिद्ध हो रहा हुंदा। अजिहा सारा कुछ विचारन उपरंत कोई शक नहीं रह जांदा कि कोई भी समा अपने आप विच अमृत वेला नहीं हो सकता। समय नूं वरतन वालियां ते निर्भर है कि वह किसे समय नूं स्वर्गी बनाउंदे हन कि जां नरकी दुखां दी खाण बनाउंदे हन। सतपुरां ने अमृत वेला शब्द केवल उत्थे ही वरत्या है जिथे प्रभु दे दरबार विच पहुंचण दा अते उस नूं रिझा के उस नाल प्यार पाउण दा सिधांत समझाउणा सी। प्रभु दरबार विच पहुँच प्राप्त कर सकण लई प्रभु दी बख्शिश दे पात्र बनण दा भी उसे गुरु फरमान विच जिक्र है। सो दास दी बुद्धि अनुसार अमृत वेले तो सतगुरां दा संकेत यह है कि जीवन वेले नूं नाम अमृत विच भिउ के भगती रत्ते पर उपकारी कर्मां द्वारा अपने जीवन नूं अमृत बनाउणा है। फिर यह गल भी अखों ओले करन वाली नहीं है कि महान कोश विच अमृत वेले दा अर्थ मोक्षदायक वेला मुक्त वेला भी लिखा है। आओ वेखिए कि सतगुरां ने मोक्षदायक समा किस नूं कहा है। नंबर एक, मानस देह बहु न पावै कशु उपाओ मुक्त का कर रे, पन्ना 220। नंबर दो, मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ए देह संजरिया, पन्ना 176। नंबर तीन, नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम, पन्ना 293। नंबर चार, अनक जन्म भ्रम तो ही आयो मानस जन्म दुलबाही, पन्ना 1207। नंबर पांच, दुलभ देह जप होत पुनीता जम की त्रास निवारै, पन्ना 1208। सिर्फ मनुखा देही दे मिलन वाला समा ही दुर्लभ है। यही समा है जब आत्मा परमात्मा विच मिल सकती है। इस समय नूं एवें गवा दिता तां मुड़ ये वेला हाथ नहीं आना। दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जातो कौडी बदला, पन्ना 1203। मनुखा शरीर ही है जिस विच नाम अमृत दा अनमोल खजाना लुकया होया, तदे ही इस मनुखा देवी नूं देवते तरसदे हन। इस देही को सिमरै देव, पन्ना 1159। गुरदेव जी इस देही नूं ही सफल करन दी जाच दसण आए सन। सफल होत ए दुलभ देही जाको सतगुर मया करेही, पन्ना 1298। इस एक पंक्ति विच ही गुरु नानक साहब ने मेहर करके सानू वह वड़मुला भेद भी समझाया है जिस नाल मोक्ष की प्राप्ति हो के जन्म मरण का गेड़ मुक जाना है। इसलिए जरूरी नहीं कि संकेत मात्र उचारे अमृत वेला शब्द के अजिहे अर्थ किए जाण जिस नाल गुरमत सिद्धांत दे किसी जरूरी पक्ष की खंडना हुंदी होवे। इस सारी विचार नूं मुख रख के गुरदेव जी दे अनमोल संकेत नूं समझण दा जतन करना है। फिर कह अगे रखी है जित दिसै दरबार मुँह कह बोलण बोलीए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवें जाणीए सब आपे सच्यार।
जपजी साहब। प्रश्न ऊड़ा, फिर प्रभु दे अगे की धरीए जिस नाल उस दे दरबार दे दर्शन हो जाण। प्रश्न ऐड़ा, मूहो किहो जे बचन बोलीए जिन्हां नूं सुन के प्रभु प्यार करे। उत्तर ऊड़ा, ये जो तैनू दुर्लभ मनुखा दे प्राप्त होने वाला समा मिलिया होया है, भावे मनुखा देही वाली सारी उम्र दे वेले नूं अविनाशी प्रभु दे नाम दीयां वडियाइयां दी विचार तों जिस स्यों राता तैसो होवे वाली बख्शिश होनी है। जीवन नूं सदीवी याद रूपी अमृत विच भिउंदी रख के अमृत बना लै अते जद सारी उम्र दे वेले नूं अमृत बना के प्रभु दरबार विच हाजिर होया तां जरूरी बख्शिशां दी बारिश होनी है अते आत्मा ने परम आत्मा विच लीन हो के सदीवी ठंड दा आनंद मानना है। जपजी साहब विच ही नाम दा रंग चाढ़न दी गल कर दित्ती सी, पर यह मत पापां कै संग ओ धोपै नामै कै रंग। केवल नाम दे जाप दी गल नहीं है, सगों मत नूं प्रभु दे नाम दे विच रंगना है अते फिर मनुखा जीवन दे समें नूं रंग लैण दी गल सतगुरु नानक साहब जी ने होर भी स्पष्ट रूप विच करदिआं फरमान कीता है। ए तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लभ रंगाए, मेरा कंत न भावै चोलड़ा प्यारे, क्यों तन सेजा जाए, हों कुरबाने जाओ मेहरबाना, हों कुरबाने जाओ, हों कुरबाने जाओ तिना कै लैण जो तेरा नाओ, लैण जो तेरा नाओ तिना कै हों साध कुरबाने जाओ रहाओ। आया रंगण जे थिए प्यारे पाइया नाओ मजीठ, रंगण वाला जे रंगै साहिब ऐसा रंग न डीठ। जिनके चोले रत्तड़े प्यारे कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामण कंते भावै आपे ही रावे। पन्ना 722। फुटनोट, अंतली तुक तो यह भाव कबूल कर लेना कि जद वो आप ही सब कुछ करनहार है अते जद अपने प्रेम का रंग भी उसने आप ही चाढ़ना है तो मनुख दे किसी उदम का अर्थ की। फिर जे प्रेम रंग चाढ़ना होवेगा तो वाहिगुरु आप ही चाढ़ लवेगा। अजिहा विचार गुरमत विरोधी है। इत्थे सतगुरां ने सानू साडे मन की उस हंकारी रुचि बारे सुचेत किया है जिथे असी आप ही करता बन बैठण दी हौमे सहेड़ लेंदे हाँ अते फिर हौमे दा प्रभु नाम नाल विरोध होण करके असी प्रभु दे दर दे नेड़े पुज के भी विछोड़े दी डूंगी खड्ड विच डा डिगदे हाँ। मनुखता मन कदे भी किसी प्राप्ति समय अपनी चतुराई दा माण ना कर बैठे, सदा ही समझे कि सारियां मेरां उसे दियां ही हो रहियां हन। हौं दी लेस मात्र भी जे मन विच आट के तां किवें कूड़े टुटे पाल कूड़ दी कंध होर पक्की हो जानी है अते हिरदे विच ही वसदे प्रभु दी सोझी नहीं आउणी। बड़े प्यारे अते स्नेह भरे शब्दां विच सतगुरां ने अगले पावन शब्द विच इह भेद खोल के समझाया है। इह आनड़िए मानड़ा काय करे, आपनड़े घर हर रंगो की ना माणे, शह नेड़े धन कमलीए बार क्या टूंडे, आप गवाइए ता शह पाइए और कैसी चतुराई। पन्ना 722। गुरमत दे सिद्धांत अनुसार मनुख चंगे मंदे कर्म करन विच सुतंत्र भी है, नहीं तो आप बीज आपे ही खाए। पन्ना 25। जहे बेअंत बचन कदे ना आउंदे, अजिहे भेद पूरी तरह समझण लई पुस्तक का छेवां भाग पढ़ना पवेगा। खिमा चाहुंदा हाँ ज्ञान दे इस महासागर दे सारे पक्ष एक थां नहीं सन लिखे जा सकते। अर्थ, हे मेहरबान प्रभु, मैं कुरबान जांदा हाँ, मैं सदके जांदा हाँ, मैं वारने जांदा हाँ उन्हां तों जो तेरा नाम सिमरदे हन। जो बंदे तेरा नाम लैंदे हन मैं उन्हां तों सदके कुरबान जांदा हाँ रहाओ। जिस जीव इस्त्री दे शरीर नूं माया दी पाह लगी होवे ते फिर उसने इस नूं लब नाल रंग लिया होवे, ओह जीव इस्त्री खसम प्रभु दे चरणां विच नहीं पहुँच सकती, क्योंकि जिंद दा ये चोला ये शरीर ये जीवन खसम प्रभु नूं पसंद नहीं आउंदा। पर हाँ, जे ये शरीर निलारी दी मट्टी रंगण बन जाए
ਕਹੇ ਸੱਜਣ, ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਨਿਲਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਾ ਡੋਬਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਲੇ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਜਣ, ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ, ਕੰਚਨ ਸੋਵੇਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋਂ ਭਿੰਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕ ਝਕੋਲਿਆ, ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧੰਨਾ। ਪੰਨਾ 448। ਅਰਥ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨਿਰੀ ਭਿਉਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਬੀਹਾ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਇਹ ਬਾਬੀਹਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਤਿਖ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ ਪੀਆ, ਤਿੰਨ ਬਹੁੜ ਨਾ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਪੰਨਾ 1283। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਲਫਜ਼ ਪਪੀਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਏ, ਪਪੀਹਾ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਪਪੀਹਾ ਜੀਵ ਪਸ਼ੂ ਸੁਭਾਉ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਤਿਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਰੇ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀਵ ਦਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਰੇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੀ ਹੀ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵਾ, ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਭ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਨਾ 1285। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਅਥਵਾ ਪੰਖੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਪਪੀਹੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਪੀਹਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪਪੀਹਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵੇ ਪੂਰਨ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦਰਬ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
प्रभु वालों गुरु बदल नूं हुक्म हुंदा है कि वह इस अरजोई वाले उत्ते मेहर करके नाम की वरखा करे। मेघा गुरु है अते अमृत वेला मनुखा देह दे समय ने बनना है। जिन्हां मनुखा ने प्रभु नूं अपने हिरदे विच वसाया है मैं उन्हां तों सदके जांदा हाँ। हे नानक, सतगुर दे शब्द ज्ञान दे राही नाम दी विचार कीतियां भाव नाम सिमरियां नाम दी बरकत नाल सारी सृष्टि हरी भरी हो जाती है। पागूड़ा, मनुखा जीवन दे समय नूं अमृत वेला बनाउणा है। जपजी साहब दी चौथी पौड़ी विच उच्चे आचरण वाले जीवन दी भेटा तैयार करन दा उपदेश है। इस तरह अमृत बन चुके जीवन दी बरकत नाल मन विचली कूड़ दी पाल खेरू खेरू हो जानी है। प्रभु दे नाम अमृत विच भिजे नेत्रां नूं फिर प्रभु दे प्यार विच रंगे मन वाली इस अनमोल मनुखा देही दे अंदर ही लगे हुए सच्यार वाहिगुरु दे दरबार दे दर्शन हो जाणगे। पागड़ा, गुर अमृत भिन्नी देहुरी अमृत बुरके राम राजे। पन्ना 449। केवल भाव प्रेम दी बोली समझण वाले अपार प्रभु दे मिठे नाम अमृत नाल भिजी हुई बुरके देहुरी मनुख दे बचन भी प्रभु प्रेम विच भिजे होण करके मिठे बन जाने हन। कूड़ दी पाल अर्थात कूड़ दे मोह नाल बनी कंध ढै ढेरी हो के विसमादी आनंद दी प्राप्ति हो जानी है। गुरु दी मत अनुसार जीवन जुगत सवार लैण नाल माया दे मोह विच फस के बिख बन चुके शरीर नूं अमृत बनाउणा है। बिख से अमृत पए गुरमत बुद्ध पाई अक्कों परमल पए अंतर वासना वसाई। पन्ना 565। अर्थ, जिहड़े मनुख गुरु दी मत उत्ते तुर के श्रेष्ठ अकल हासिल कर लैंदे हन ओ मानो जहर तो अमृत बन जाते हैं। ओ मानो अक तो चंदन बन जाते हैं। उन्हां दे अंदर सुचे आत्मक जीवन की सुगंधी आ वसदी है। अपने इसे सिद्धांत नूं होर चंगी तरह स्पष्ट करदिआं श्री गुरु नानक साहब जी ने माझ की वार विच इस तरह फुरमान किया है। महारुति सब तू घड़ी मूर्त विचारा तू गणते किने ना पायो सच्चे अलख अपारा पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लभ लोभ अहंकारा नाओ पढ़िए नाओ बुझिए गुरमती विचारा गुरमती नाम धन खटिया भगती भरे भंडारा निर्मल नाम मन मनिया दर सच्चे सच्यारा जिसदा जियो प्राण है अंतर जोत अपारा सच्चा शाह एक तों होर जगत बण जारा। पन्ना 140। इस पावन गुरु फरमान तो मिलदी सिक्ख्या दा वेरवा। नंबर 1, सब महीनिया रुत्तां घड़ियां ते मुहूर्तां विच परमात्मा नूं सिमरिया जा सकदा है भाव उस दी याद विच जुड़न लई कोई खास रुत थेतवार जां खास समा नियत नहीं है। नंबर 2, अदृष्ट ते बेअंत प्रभु दी प्राप्ति थितां वारां मुहूर्तां दा लेखा गिण के कदे नहीं हो सकदी। अजिही थितां वारां दी विद्या पढ़े हुए नूं मूर्ख आखना चाहिदा है क्योंकि उस दे अंदर लोभ दे हंकार है। नंबर 3, प्रभु नाम नूं बुझण दी उस दी असलियत नूं समझण दी पढ़ाई करिए भाव सतगुरां दी मत अनुसार उस प्रभु दीआं वडियाईआं दी विचार करदे रहिए क्योंकि प्यारे दे गुण औगण प्यार करन वाले विच आ जांदे हन। सतगुरां दी मत ने मन नूं माया दे मोह तों निर्लेप करके प्रभु दे प्यार नाल जोड़ना है जिस तों प्रभु दीआं वडियाईआं दी विचार शरदा अते दिली प्यार नाल सदा हिरदे विच बिठा के आप भी उन्हां गुणां दे मालक बनना हुंदा है। जथा सतगुर सेवे सो जोगी होए भै रच रहे सो निर्भ होए जैसा सेवे तैसो होए। पन्ना 223। यही है वो नाम धन जो सतगुरां दी मत अनुसार चल के खटीदा है। नंबर 4, निर्मल प्रभु दियां केवल वडियाईयां दी विचार हिरदे विच बैठी रहन दा सदका जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे। पन्ना 121। अते फिर जो जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख बिधाता। पन्ना 943। फिर जद इस तरह प्रभु नाल एक सुरता हो गई
तो मनुखा जन्म वाला यह वीड़ा पूर्ण तौर पर अमृत बन गया। तद फिर निर्मल नाम मनिया दर सच्चे सच्यारा, समझो कि अकाल पुरख के दरबार के दीदारे कराने वाला उही ढोआ तैयार हो गया जिसका जिक्र सतगुरां ने जप साहब की चौथी पौड़ी विच कीता है। फिर कै अगे रखी है जित दसै दरबार। अते फिर ये पंक्ति भी शुकराने वजों अपने आप जुबान ते आ जाएगी, जिसका जियो प्राण है अंतर जोत अपारा, सच्चा शाह एक तू होर जगत बनजारा। गुरु की मत ते तुरद्या प्रभु नाल मनुख की डूंगी जान पछाण बन जाती है। माया का मोह अंदरों खत्म हो जाना है तो फिर अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे व सवारिया। पन्ना 917। हुण गुरमत ने सोच आचार वाला बन के मनुखा शरीर नू नाम अमृत विच भिओ के इस नू अजिहा अमृतमई बना दिता कि इसकी बोलबाणी भी मिठी हो गई। फिर इस शरीर के मूँह विचों उही बचन निकलने आरंभ हो गए जेड़े प्रीतम प्रभु नू पाउंदे सन। फिर अवस्था अजही मिठास वाली बन जानी है कि दुखी हिरदिया नू सुख पहुँचाउण वाला मिठास भरिया प्यार वंडन विच आनंद आउणा आरंभ हो जाना है। अते प्रेम लद्दे मिठे बचना नू सुन सुन के प्रभु ने अपने प्यारे वल मेहर दी नज़र करनी है। इस इलाही नज़र दा सदका जीवन मरण दा गेड़ मुक जांदा है। बोलबाणी दे नाल फिर अखियां दी वेखणी भी बदल जानी है। अते नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी डसंदो मापेरी। पन्ना 1100। अमृत बन चुके जीवन वालियां बयान अखियां नू हर थां प्रभु दा प्यारा लद्या दर्शन डलकां मारदा दिसाउणा है। सदा खेड़ा बनिया रहना है। जे प्रभु दी भेटा लई अजिहा अमृत वेला तैयार ना कीता अते कर्मकांडी चक्करां विच पिया रहा तां फिर देही रूपी कपड़ा हंडाउण नू मिलदा रहेगा, भाव जन्म मरन बनिया रहेगा। नोट, जिमें मिठे अते चंगे पदार्थ नू जिमें दुध नू जिमें मिठे बचना नू भी उपमा वजों अमृत कहा है, तेवें ही सवेर दा टिकाओ वाला वेला भगत जना लई अथवा विचार दी गल सोचण समझण वाले भले पुरखां लई अमृत वेला कहा जा सकदा है। पर विशेष करके किसी समय नू सदीवी जिंदगी दे सकण दी शक्ति वाला अमृत वेला गुरमत ने नहीं मन्या। समा उही अमृत है जिस नू नाम अमृत विच भिओ भिओ के अमृत बना लिया होवे। पर प्रभु दी भेटा कर सकण वाला अजिहा अमृत बनिया समा मनुखा जिंदगी दा ए वेला ही है। मरन समय तो पहला जदों ही गुरमत दी सोझी आ जावे, भावें गुरमत बुद्ध जीवन दे अंतले समय ही मिल जाए, एक पल भी गवाए बिना उसे कड़ी मनुख अपने जीवन नू अमृत बना लैण दे आरे लग जाए। अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे, गुरु बचन सिद्ध करदा है कि मौत दे उस समय भी मनुखा जीवन अमृत बन सकदा है। प्रभु दे अगे अमृत बनिया यही ढोआ रखण दी गल सतगुरां ने कीती है। सदीवी आत्मक जीवन दे सकण वाला अमृत जल केवल अते केवल प्रभु नाम दा सिमरन ही है। जप साहिब विच समें दी भेटा तैयार करन दे संकेत नू केवल पिछली रात दा वेला समझ लैणा दास दी तुश बुद्धि ने नहीं मन्या। अजिहे अर्थ ना करन वाले सत्कारयोग विद्वानां कोलों दास दा इह मूर्ख मन खिमा दा जाचक है। हरी दे नाम धन दे अमृत विच भिओ के बनाए हुए जिंदगी रूपी इस अमृत वेले दे ज्ञान नू दृढ़ कराउण लई गुरु रामदास जी ने भी इउं फरमान कीता है, हर धन रतन जिवे हर माणक, हर धन्ने नाल अमृत वेले वत्तै हर भगती हर लिव लाई, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाहीं, हालत पलत हर धन्ने की भगतां को मिली वडियाई। पन्ना 734। हरी दा नाम सिमरन दी बरकत नाल बनाए हुए मनुखा जिंदगी रूपी अमृत वेले दा बीजिया होया नाम धन रतन जवाहर मोतियां वर्गा कीमती है। मनुखा जन्म दे वेले विच भाव सारी जिंदगी भगत जन इस नाम धन नू आप वरतदे हन
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਧਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਰੜੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਵੈ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਦੇਹ ਸਨੇਹਾ, ਹੋਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਵੇਖਸਿਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ, ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਜਾਵੀ। ਪੰਨਾ 726। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ, ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।